हेलो चन्नी टेमसी की सीरीज में आपका स्वागत है आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2016 थाउजेंड में तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमीनो सेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अमीनो सेंटेसिस टेस्ट जो होता है उसके खिलाफ कौन सा जो नीचे दिया गया स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है तो चारों पढ़ेंगे ए इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम बी इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट सी इट कैन बी इट इज़ यूजली डन वेन द वुमन इज बिटवीन फोटीन टू सिक्सटीन वीक ऑफ प्रेगनेंट डी इट इज़ यूज फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन तो ये नीचे सारे एनसीआर टी रेफेंस पैराग्राफ सारे पड़ेंगे हम तो ब्लू वाला सिचुएशनरी बेनऑन अमिनो सेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इक्रीजिंग मैनस ऑफ फीमेल फेटीसाइड यानी डिटमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है प्रोसीजर यूज टू टेजेंस ऑफ सर्टन जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए भी इसको चेक किया जाता है यानी ए भी करेक्ट हो गया और हमारा डी भी करेक्ट हो गया इसके बाद बचता है क्लेफ्ट पैलेट के बारे में तो क्लेफ्ट पैलेट और फोर्टीन वीक ऑफ तो हाँ हाँ से सिक्सटीन वीक ऑफ प्रेगनेंट वुमेन में ही किया जाता है ये तो अब क्लेफ्ट पैलेट जो होता है क्लेफ्ट पैलेट जेनेटिक और इनयरमेंटल फैक्टर दोनों की वजह से होता है तो जरूरी नहीं है कि जेनेटिक फैक्टर हो इन्वायरमेंट भी हो सकता है तो ये इसका करेक्ट हो गया तो बी को मार्क कर देते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ हेलो सीरीज में आपका स्वागत है विच ऑफ कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन दिखाईसोस नीचे दिए गए चार कंडीशन में से कौन सा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता तो डेवलपिंग है डाउन सिंड्रोम बी है डी है सेक्स ऑफ फीटस तो ये एनसीआर रेफरेंस पढ़ेंगे ये जो रेड से मार्क है उसको पड़ेंगे बैन ऑन अमी सेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इनक्रीजिंग मेहनस ऑफ फीमेल फीटसाइड सेक्स डिटर्मिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है फिर येलो वाला जो है प्रोसीजर इज यूज टैस फॉर प्रेजेंट ऑफ सर्टन जेनेटिक डिस डाउन सिंड्रोम हमोफिलिया सिकलसलानी यानी जेनेटिकर्डर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है तो डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर क्लीन फिल्टर सिंड्रोमिक डिसर और सेक्स ऑफ फिटस के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आखिरी बच्ची जॉन्डिस जॉडिस हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो इसको हम मार्क कर देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा यानी जॉन्डिस तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्ब्राइब फॉर मोर वीडियोज हेलो चुनी टेम सिक्यू सीरीज में आपका स्वागत है आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2019 में तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड इन्वॉल्ज द रोल ऑफ हार्मोन नीचे दिए गए जितने भी कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स हैं उसके अंदर से तीनों जो होने चाहिए वो हार्मोन वाले होने चाहिए यानी उसके अंदर हार्मोन का रोल होना चाहिए तो चलिए देखते हैं ऑप्शन है पिल्स एमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टि बैरियर मैथड बैरियर मैथड गलत हो गया बैरियर मैथड रोकता है इसके अंदर हार्मोन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता लैक्टेशन अमर या पिल्स एमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिट्टि ये हो सकता है हमारा इसके बाद देखते हैं सी सी है हमारा बैरियर मैथड लैक्टेशन या पिल फिर से आ गया बैरियर मैथड बैरियर मैथड के अंदर हार्मोन का कोई रोल नहीं होता वो केवल रोकता है फिर ज़्यादा डी कॉपर्टी पिल्स या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव तो कॉपर्टी के अंदर कॉपर का इस्तेमाल होता है हारमोन की जगह अब हमारे पास था बी ऑप्शन लैक्टेशनल अम्यूनियरिया के अंदर भी हमारा लैक्टेशन के ऊपर बेस्ड होता है और वो हार्मोन ही बेस्ड होता है पिल्स के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन या एस्ट्रोजन रलता है और एमरजेंसी एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है और वो वो सेवेंटी टू आवर्स के अंदर दे दिया जाना होता है तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर तीनों वैसे हैं जिसके अंदर हार्मोन्स का रोल है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ हेलो सीरीज में आपका स्वागत है हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था टू तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट रिगार्डिंग तो चार ऑप्शन है ए नो अकर इन सेमाइनल फ्लूड बी नो फॉम अकर इन एपेडाडामिस सी वेस्ट डिफरेंस इज कट एंड टाइड या डी इरिवर्सिबल रिवर्सिबल स्टेरिलिटी तो एनसीआर टी रेफरेंस पढ़ेंगे सबसे पहला रेड वाला या ऑरेंज वाला पढ़ेंगे सर्जिकल इंटरमेशन ब्लॉक गैमी ट्रांसपोर्ट देयर बाइक प्रिवेंशन कॉन्टरसेप्टेंस इजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड वेसेक्टॉमी अ पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस इज कट रिमूव टाइड एंड थ्रू स्माल इन द स्कॉटम हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज पुअर तो हाँ सेमिनल फ्लू के अंदर कोई पॉम नहीं होगा क्योंकि वेस्ट डिफ्रेस ही काट दी गई है तो ऊपर जा ही नहीं पाएंगे नो स्पम अकिन एपेडाडामिस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है क्योंकि एपेडाडा के अंदर तो रहेंगे ही एपडाडामिस जो हमारा पार्ट होता है वो हमारे स्कॉटम के अंदर होता है यानी टेस्टिस के अंदर होता है वेस्ट डिफेंस इज कट एंड टाइट एकदम सही है इन रिवर्सिबल स्टिलिटी हाँ रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप पढ़ेंगे स्पम कैन नॉट कम आउट एज वेस्ट डिफेंस इज कट बट दे कैन ट्रेवल अप टू द एंड दैट इस टेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो गया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो हेलो चीनी टे की सीरीज में आपका स्वागत है आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2016 में तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी नीचे दिएगा चार ऑप्शन में से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है तो ए है एल एनजी ट्वेंटी बी है मल्टी रोड थ्री सेवन फाइव सी है लिप्स लूप या डी है सी यू सेवन तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी रेफरेंस को इसके अंदर सारे आईयूडी के बारे में आपको समझा देता हूँ आज आईयूडी तीन तरीके की होती है सबसे पहले होती है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जैसे कि लिप्स लूप हमारा ये यह हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बाद होती है हमारी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जैसे कि सी यू टी सी यू टी सेवन या मल्टीलोड थ्री सेवनी फाइव इसके बाद आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है हमारी प्रोजेस्टा सर्ट या फिर एलएनजी एन ट्वेंटी तो तीन तरीके की आईयूडीज हो गई एक हमारी हो गई नॉन मेडिकेटेड एक हो गई कॉपर रिलीजिंग और एक हो गई हार्मोन रिलीजिंग तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है हार्मोन रिलीजिंग तो हार्मोन रिलीजिंग होती है एल एन ट्वेंटी और प्रजस्टा सर्ट तो देखते हैं एल एजी ट्वेंटी कौन सा ऑप्शन है या फिर प्रजस्टा सर्ट तो ऑप्शन हमारा एल जी ट्वेंटी है जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है तो उसको मार्क कर देते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हेलो वीडियो में आपका स्वागत है हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था न्यू 2019 में तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट नीचे देखिए चार स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट है एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ तो ए आई वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस तो एक बार इंसर्ट कर दी हुई आई ओडी को रिप्लेस करना पड़ता है यह गलत स्टेटमेंट है उसको एक लिमिटेड टाइम के साथ रिप्लेस करना पड़ता है बी है आई ओडी आर जनरली इंसर्टेड बाई यूजर हर सेल्फ्त तो ये भी गलत है ब्लू वाली स्टेटमेंट पड़ेंगे एन एन सीआरटी रेफ्रेंस से दीज डिवाइसिस आर इंसर्टेड बाई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सिस अपने आप नहीं कर सकते तीसरी है आई ओडी इंक्रीजिस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पॉम इन इन द यूट्रस तो ये येलो वाली जो स्टेटमेंट है यह क्या है आई ओडी इंक्रीजिस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पॉम तो हाँ ये करेक्ट हो सकती है अगली डी पड़ेंगे तो आई ई डी सप्रेसिस गेमिटोजेनेसिस तो ऐसा नहीं है ये, ये ग्रीन वाली स्टेटमेंट क्या कहती है कॉपर आयन रिलीज सप्रेसिस स्पर्म मोर्टेलिटी और रेड वाली क्या कहती है द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पॉम तो ये गोमेटू को सप्रेस नहीं करता है ये स्पॉम की मोटिलिटी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करता है तो क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़